हाउज़बल अबिनिम बसमी दोस्तों वालेकुम अशरफ आसमी एडवोकेट आपकी खिदमत पे हाज़र है हमारे सामने सिविल अपील नंबर सेवन थ्री के आफ़ टू जीरो वन एट है इसे मिस्टर जस्टिस काजी फैज़ी साहब मिस्टर जस्टिस सया अफरीदी साहब ने सुना अनवान जो है केस का वह है सैयद जमील अहमद वर्सेस मोहम्मद सलीम लर्नर काउंसिल फॉर द एपीलेंट स्टेट ऑन इकतीस अगस्त उन्नीस सौ उन्नवे द एपीलेंट वीज ऑफ टू जीरो फोर पॉइंट जीरो सिक्स यार्ड्स प्लाट बाई कराची मेट्रोपोलिटन कॉरपोरेशन एपिलेंट के वकील साहब का कहना है कि उन्नीस में यानी 1989 में उनको एक लीज ग्रांट की थी कराची मेट्रोपोलिटन कॉर्पोरेशन के एम सी ने दो सौ चार अशरिया सिफर छः स्क्र यार्ड्स हाईवर ही शुड आल्सो ऑल्सो है फोर्टी पॉइंट फाइव सिक्स स्क्र यार्ड उन्होंने ही शुड आल्सो हैव बीन लीज उन्हें देनी चाहिए थी चालीस अशरिया छप्पन मजीद बट इंस्टेट इट वॉज ग्रांटेड टू द रिस्पॉन्डेंट नंबर वन ऑन इक्कीस मई उन्नीस सौ पचासी वो मुझे चालीस इशारिया छप्पन देने चाहिए थी लेकिन उन्होंने रेस्पांडर नंबर वन को उन्नीस सौ पचासी नाइनटीन एटी फाइव में दे दी थी ही स्टेड एट द कोर्ट हैड करेक्टली डिक्रीड द सूट ऑफ द एपीलेंट बट द लर्नर जज ऑफ द हाई कोर्ट सेट असाइड द जजमेंट ऑफ द एपिलेट कोर्ट एंड रीस्टोर्ड द डिसीजन ऑफ द ट्रायल कोर्ट विच हैड डिसमिस

एंड वॉज डिसमस एज इट वॉज टाइम बाड ये केस जो उन्नीस सौ पचानवे में फिर दायर किया गया जो कि टाइम बाढ़ की वजह से डिसमिस हो गया लर्न कौंसल्ट वज नॉट एबल टू सेटिसफाई अर्स डेट दूट फाइल सीकिंग ए डिक्लेशन एंड कंसलेशन ऑफ ए लीज ग्रांटेड इन द ईयर नाइनटीन एटी फाइव कुड भी फाइल्ड इन द ईयर नाइनटीन नाइनटी फाइव कि एक उन्नीस सौ पचासी में जो दूसरे फरीक ने लीज ली थी उसके खिलाफ केस क्या उन्नीस सौ पचानवे में किया जा सकता है इतना टाइम गुजरने के बाद द सूट वॉज क्लियरली टाइम बार्ड एंड द जजमेंट ऑफ द ट्रायल कोर्ट एंड द हाई कोर्ट आर करेक्ट इन अदर क्वेश्चन अराइज एंड वन डैट वेंट टू द वेरी मेंटेनेबिलिटी ऑफ द सूट विच वॉज वेदर द एपल कुड क्लेम इंटाइटलमेंट टू ए प्लाट विच वॉज नॉट इन हिज पोजेशन दूसरा क्वेश्चन ये है मैंटेनेबिलिटी के हवाले से कि जो प्लाट उसके कब्जे में नहीं है क्या वो उसको लेने की रखता है क्लेम कर सकता है लीज ग्रांटेड बाय द डायरेक्टरेट ऑफ कराची आबादीज ऑफ के एम सी टू द रिस्पोंडेंट नंबर वन एंड द एपीलेंट आर बोथ टाइटल्ड एपिलेंट वन एपिलेंट को और रिस्पोंडेंट नंबर वन को जो दी है वो के एम सी की प्रॉपर्टी है उन्होंने इसको लीज दिया है लीज़ फॉर प्लॉट बाय रेगुलेशन ऑफ अनऑथोराइज पोजेसन पर्सन इन अनऑथोराइज पोजेशन ऑफ ए लैंड नॉट ऑन बाय देम एंड विच फॉर्म पार्ट ऑफ ए डिक्लेयर्ड कच्ची आबादी वर ग्रांटेड ऑनरशिप राइट टू द लैंड इन देयर पोजेसन बाय द के एम सी एडमिटली द एपिल नॉट इन पोजेसन ऑफ द लैंड इन रेस्पेक्ट ऑफ विच द रिस्पॉन्डेंट नंबर वन वॉज ग्रांटेड ए लीज यानी कि वो उसके पोजेशन में नहीं था जो उसको लीज पे दिया गया था